क्या शिकायत कर रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ हमारे पास ना तो लेटरिन मिली आज तक, हमारा पुराना घर तक गिर गया है, ना घर मिला, मेन सड़क पे सब देख सकते हैं हमारा घर गिरा हुआ है। अच्छा तो एक काम करो, गौशाला हम अपने घर के अंदर में छोटा सा घर बना रखे हैं, उसमें भैंस बांधते हैं। गौशाला काम करो ना, आप मुझे टिकट में दे दो, एक तो आपका जो घर खिसक गया है उसका हम आपको वो दे रहे थे काउ शेड, दे 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 हाँ, तो आपको फौरन दे दो, आप घर लिख करके मुझे दे दो। कौन सा गाँव है आपका? बुलाओ ना। इनको भेजेंगे, आएंगे आपके घर पे पंडित जी ठीक है, आप इनको आधार कार्ड दे देना। वक्त आएगा कि गांव को फिर मनरेगा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, फिर तो अपने लाखों रुपए खुद कमाए बेचे और ये पैसों से अपने आप को आबाद करें। यही मेरा लक्ष्य है कि हम लोग हर गाँव को क्या बोलते हैं स्वयं ताकतवर बनाएं, अपने अपने पैदावार से, अपने अपने चीज़ों से, ताकि वो अपने आप में एक एक देश बन जाए। माता जी कोरोना काल में दिन के लिए रहती हूँ और सुबह 7 बजे लोग आते हैं और 7 बजे से 10 बजे तक 200-300 लोगों का काम हाथों हाथ होता है, SHO से बात करके, लेखपाल से, प्रधान से, अन्य, लेकिन वो काम हो जाता है। उसके बाद फिर मैं निकलती हूँ गांव में। अब आपके 1100 गांव हैं जिनमें से लगभग 800 में जा चुकी हूँ। और क्यों जाती हूँ मैं उन गाँव में? जाती हूँ जहाँ कोई नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं आपके पास आ जाऊँ। और आपके पास क्यों आ जाऊँ? कि अगर आपको कोई तकलीफ हो, कोई शिकायत करना हो, कोई बताना हो जो आप मुझे नहीं बता पाते हैं तो आप मुझे बताएं। अब जैसे कि अभी हम एक गांव में थे जहां 2 प्रधानों ने 2 अलग पंचायत घर बनाए और दोनों आधे अधूरे। अब हम गाड़ी में इसका समाधान सोच रहे थे कि एक को पंचायत घर बनाया जाए, दूसरे को हम बारात घर बना चाहे, तो उसका समाधान अब मैं करके छोड़ूंगी, लेकिन इससे पहले तो मुझे मालूम नहीं है। तो अब कोई आएगा कहने के लिए बने, सदस्य भाजपा में बनना आसान है। मैं आपको एक नंबर दे देती हूँ, आप उसको लिखिए, मतलब आप उसका मोबाइल में डायल कर लो, आपका एक पैसा नहीं लगेगा। 7505403403। मैं एक दफा और बता दूं, आप पूछेंगे किस लिए बता रही है नंबर। अगर मैं नंबर बता दूं तो बस आप डायल करके आप फिर उसको बंद कर दें, वो दफ्तर की तरफ से आपको एक इतला भेज देंगे, एक नंबर भेज देंगे कि ये हमारे आप सदस्य बन गए, बस खत्म होगी बात। कल ये सदस्यता आपके काम में आएगी। ये नंबर है 7505403403। हमारी कोशिश ये है कि सदस्य बने, एक ऐसे पार्टी के परिवार में आ जाए जो पार्टी सेवा के लिए निकली है। अब मैं और ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी कि अमीरी कैसे,
इनके पास पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पता चला कि इनकी अमीरी आई है मेहंदी से। ये मेहंदी लगाते हैं, पूरे देश में बेचते हैं। सारी मेहंदी पूरी देश की आती है सुजात से, और सुजात में एक एक बच्चा विदेश पढ़ता है, कोई अमेरिका में पढ़ता है, कोई छुट्टी मना रहा है ऑस्ट्रेलिया में, कोई इंग्लैंड में जा रहा है शादी कर रहे हैं, तो बड़े बड़े शानदार महलों में शादी कर रहे हैं। और ये सब आपकी तरह गांव। तो फिर मैं, मेरे मन में ये आपने मुझे एक नौकरी दी, उस नौकरी को एक माँ की तरह जैसे अपना घर संभालती है, वैसे ही मैंने इस घर को संभालने की कोशिश की। दो किस्म के काम थे, एक तो बड़े बड़े मोटे सौगात लाना, जैसे विजय जी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज था वो मैं लाई, नवोदय विद्यालय, पॉलीटेक्निक, आपके वीर सिंहपुर का अस्पताल बन रहा है, 700 गांव में ट्रांसफॉर्मर बदलना, FM स्टेशन, कृषि विज्ञान केंद्र जो अभी दूसरा बन रहा है, पूरे देश में केवल सुल्तानपुर में दो बन रहे हैं, नहीं तो एक से ज्यादा अलाउड ही नहीं है। फिर सतारू जेल में 9 करोड़ रुपए डाल करके वहां 5 पुल बना करके जो डूब रहा था जमीन, उस सबको उठाना। फिर आपके यहाँ 16 मोटे मोटे सड़कें बनाना 150 करोड़ रुपए में। फिर यहाँ दोस्तपुर से कादीपुर की सड़क 40 करोड़ में, कादीपुर से अखंड नगर की सड़क 50 करोड़ में, वो भी बन रही है। आपके स्टेडियम, पंत स्टेडियम में 5 करोड़ डाल करके उसको अपने स्पोर्ट्स वालों के लिए ठीक करवाना। आपके फायर स्टेशन लमुआ में, ताकि अगली दफा आग लग जाए तो बुझाने के लिए आपके पास कोई व्यवस्था हो, वो भी बन रहा है। आपके यहाँ पोस्ट ऑफिस दिल्ली का आया है, बेहद अच्छा। आपके यहाँ लमुआ में अस्पताल तक आपका कब्जा था, उस कब्जे को छुड़वा करके फिर से अस्पताल उसका बनवाया। ये सब चीजें चलती जा रही है, चलती जा रही है, और हर महीने कोई नई सौगात लाते हुए। लेकिन इनसे बढ़ करके मेरी जो दिनचर्या, आपके यहाँ पानी की टंकी बनेगी ताकि घर घर आप लोगों को पानी मिल जाए। अब ये तो बड़े काम है, मेरे इसके अलावा ऐसे काम मैं करती हूँ जो आज तक कोई सांसद ने किया नहीं, और वो है आपके सबके घरेलू दो। अब मैं औरत हूँ, मुझे मालूम है कि बड़े बड़े काम अपनी जगह में, लेकिन अगर मैं अपने घर में बैठी हूँ, मेरा पति को कैंसर है, मेरे पास पैसे नहीं, तो कहाँ जाऊँ? अगर मेरा विधवा का पेंशन नहीं मिला, विकलांग का पेंशन नहीं मिला, अगर किसान निधि हमारे घर में नहीं आई, अगर हमारे पड़ोसी नाली हमारा नाली बंद करवा रहा है, या अपने नाली का गंदा पानी हमारे घर में फेंक रहा है, या अगर हम दीवार बनाना चाहते हो वो दीवार बनने नहीं दे रहे हैं, या हम अपने एक स्टेडियम के लिए 5 करोड़ रुपए ला करके वो स्टेडियम भी ठीक हो गया है। अलग अलग काम आते ही हैं, लेकिन इनसे बढ़ करके मेरा दिन, जब मैं आती हूँ यहाँ तो शुरू होता है 7 बजे सुबह, और 7 बजे सुबह 200-300 लोग आते हैं और हम एक एक का काम करते हैं। मैं ये जानती हूँ कि घर चलाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से जिंदगी खराब होती है। अब जैसे कि एक औरत आई अभी आज सुबह, इतना रो रही थी, उसके खुद के घर में उसका बेटा रहता है, बीवी और 4 लड़कियां, और वो उसको ना खिलाते हैं और उसको मारते हैं, और उसने पूरे लोगों से भीख मांग करके CCTV लगा दी ताकि पुलिस को पता चल जाए अगर वो हमारी चीज है, तो उन्होंने CCTV को तोड़ दिया। अब मैंने उनको आज सुबह, ये लगता है दुनिया के लिए छोटी बात, और कोई सांसद ये काम करता नहीं है, लेकिन मैं हर काम करती हूँ, नाली से लेकर के किसी की जमीन जब्त हो, कोई बीमार हो, तो मैंने उन लड़कों को बुलाया और कहा कि तुम अब निकलो घर से। तो वो रोने लगा कि मैं, मेरी 4 बेटियां कहाँ जाए, देखा घर माँ का है, रोज माँ तुम्हारे हाथ पर थप्पड़ खाए, खाना नहीं खिलाना माँ को, और फिर रो कि मेरी 4 बेटियां, भगवान करे कि 4 के 4 दामाद जो तुमको मिले हो तुम्हारे साथ ऐसे सलूक करे।
तो जब अब उसने वायदा किया है कि वो माँ को खिलाएगा और उसको तमीज से रखेगा, और मैंने कहा एक दफा और एक शिकायत मिली तो तुम अगली दफा तो सड़क पर नहीं, जेल में हो, फिर सरकार तुमको 12 रुपए दिन का दे देगी और वहां बैठ करके कमा।